ठिकरा, ए ठिकरा, ए तुम देखता है कि सुनता है? ए मैं बिल्डर रुस्तम जी छे, छे? हाँ, अब तो एक है, बाकी पांच किधर हैं? अरे मेरा नाम रुस्तम जी छे मतलब कि है। अच्छा छे मतलब है, तो बारह मतलब नहीं है। अरे मैं गुजराती में बोलूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, अरे ए बकरी, तुम्हारा बकरी काटे क्यों तू नहीं? अरे बकरी थोड़ी ना काटती है, बकरी जो दूध देती है, कुत्ता काटता है। शू आट कर ची, हाँ एक मिनट रुको। हाँ हेलो, ए ढिकरी, अरे अपना कुत्ता को बेच के बकरी ले ले, ए दूध भी देती है। अरे सुनो, ये चौड़ाने से भोकेगी ना? अबे बकरी को भोकेगी, कुत्ता भोंकता है, बकरी दूध देती है। ओ खुदाई जी, अरे ए सुन सुन ढिकरी, नहीं आगे से कुत्ता रख लेंगे, पीछे से बकरी, ए भोकेगा भी और दूध भी देगी। ये वाइफ लोग को समझाना बहुत मुश्किल है। अरे सुनो, तुम मेरे को चांद में जमीन दिखाओ। बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल, बताइए कितने गज चाहिए आपको। ए मैं रुस्तम जी से, रुस्तम जी, मैं आकड़ में जमीन लू छू। आकड़ में अपने बाप को ना दू तो तुम्हें को दू छू? आकड़ में लू छू माने आकड़ माने एकड़ में लू छू। अच्छा एकड़ में लू, हाँ बिल्कुल देंगे जमीन आपको, बिल्कुल देंगे आपको। अच्छा किधर, मेरे को जमीन दिखाओ। चांद, चांद साइड देखनी आपको। अच्छा वो देखिए चांद पे, वो देखिए निकलता है किधर, मेरे को तो दिखता नहीं। देखते रहिए, दिखेगा। दूरबीन है तुम्हारे पास? दूरबीन में लेके आता हूँ, अभी दूरबीन लेके आता हूँ। लेकिन मैं चांद को दूरबीन से देखने का 5 रुपए दे दूंगा। एक बार चांद में फंस जाऊंगा, छिपल हो जाऊंगा तो रोज चांदनी रात होगी। ये देखिए दूरबीन, ये दूरबीन है, इसमें से तो भाषमा अटता है। तो तुम्हें देखना ना, सूंघो मत इसको, इसको आंख पे लगाओ, नाक पे नहीं लगाना, इसको आंख में लगा के देखो। चांद दिख रहा है, चांद दिख रहा है, चांद चांद दिख रहा है। दिख रहा मेरे को उधर अंडा दिखता, अंडा अंडा दिख रहा, अंडा दिख रहा। तो फिर क्या हुआ, आज कौन सा मंगलवार है? अरे लेकिन इसमें से कॉकरोच आता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कॉकरोच आ ही नहीं सकता। आ छोड़ रहा, जा रहा है अभी। क्या ये दूरबीन के थ्रू चीजें आती जाती रहती है। हाँ, वो क्या बकरी भी चांद से है, इसी के थ्रू आया। सू व्हाट करे छे, बकरी चांद पे खाता क्या होगा? मैंने सुना उधर वेजिटेबल नहीं होता है। होता है ना वेजिटेबल, दोबारा देखो वेजिटेबल क्यों नहीं होता है। किधर है आपको पालक का खेत नजर आया? उधर तो बहुत ग्रीनरी है लेकिन उधर तो पानी नहीं होता है। पानी होता है ना, होता क्यों नहीं पानी? देखो आप पानी आएगा किधर है, पानी आया है चांद में। अरे ओ खुदाई जी, चांद पे पानी धरती में आ गया। चांद पे पानी कब से आ गया था, अभी पाइप अभी डाला है। ये पाइपलाइन है? हाँ, चांद पे पानी तो कब से आया था, पाइप अभी डाला तो इसलिए आ रहा है। अच्छा ये तो खूब सारू बात है। हाँ। और बताओ उधर और क्या क्या है? उधर बहुत कुछ है, मॉल है उधर, कितनी देखो दोबारा देखो। हाँ। देखो कितनी पब्लिक है। हाँ पानी आया उधर, और देखेगा पड़ोसी कोई अच्छा सा होना चाहिए, रुस्तम जी टाइप। शाहरुख खान मेरा नाम ले रहा है। ले रहा है, वेटिंग में आपका नाम था इसलिए आपका नाम ले रहा है। अभी और वेट नहीं होता है, जल्दी बोलो कि जमीन का पैसा किसको दे? जमीन का पैसा मैं जो चांद का ओनर आपको सीधा उससे मिलवाता हूँ। हमारे काम में धोखा दे, सिर्फ ट्रांसपेरेंट काम। चांद का ओनर कौन है? चांद का ओनर आपने बचपन में कहावत सुना होगा, चांद पे एक बुढ़िया रहती है। हाँ हाँ, मेरा पप्पा मेरे को बहुत बार बोला। पापा बोलता है? हाँ। पापा ठीक नहीं, पापा को ठीक करो। चांद पे जो बुढ़िया रहता है वो हमारा बड़ा दूर का नजदीकी रिश्तेदार है। दूर का नजदीकी माने? मतलब नजदीकी रिश्तेदार है, रहता बहुत दूर है तो इसलिए दूर का नजदीकी रिश्तेदार है। मैं बुलाता अभी उसको। हाँ। ए चांदी दादी, किधर है चांदी दादी? डिकरी साहब जी, मैं रुस्तम जी छे। रुस्तम जी, चंदा चंदा, चंदू चंदू, चांदी चांदी। ये कौन सा भाषा में बोलती है? ये चिंदी भाषा में। चुस्तम जी, चाप से चिलकर चली चुची चुसी। हाँ, जैसे हिंदुस्तान में हिंदी, सिंध में सिंधी, वैसे चांद पे चिंदी। चिंदी चोर तो सुना, मैं चिंदी भाषा पहली बार सुना। अब वो ऐसे मतलब चांद पे चोर नहीं होता ना। ए दादी, अभी आप इंडियन मोड में आ जाओ, अभी आपको भी रोमिंग पड़ता होगा।
आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मेरे को भी हुई। अरे ए, चांद का जमीन का मालकिन आप है क्या? या अच्छा। अरे ये बार बार ऊपर नीचे क्यों होती है? चांद पर रहती ना तो उसको उड़ने की आदत है। अच्छा अच्छा। अरे लेकिन इसको बांध के रखो, नहीं तो मेरे को भी उड़ने के लिए कोई चीज दो। अबे वो शुरू से ये शो कर रही है इसलिए उड़ रही है, तू कैसे उड़ेगा बे? अरे मेरे को इसके साथ डील करने का तो उड़ना पड़ेगा ना मेरे को। अरे टिकड़ी, चांद में फैसिलिटी क्या क्या होता है? बहुत सारे फैसिलिटीज है। आदमी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं। फर्ज करो अगर आपका तोता उड़ के कहीं चले जाए तो आप उड़ के उसे पकड़ सकते हैं। यहाँ पर पोस्टमैन चिट्ठी दे जाते हैं ना, वो आदमी उड़कर खुद चिट्ठी ले जाते हैं। सो व्हाट करे छे। अरे जब आदमी खुद उड़ सकता है तो चिट्ठी उड़ के क्यों देने जाएगा? अरे बाबा तुम लॉजिक ना देखो, विजुअली देखो कितना अच्छा लग रहा है। आदमी मुंह में चिट्ठी डाल के उड़ के जा रहा है। हाँ। अभी उसी आदमी को देखे थे, पंकज कपूर ने गाना गाया था, चिट्ठी आई है। बात करे छे, पंकज उदास ने गाया वो गाना। अरे बाबा खुशी का मौका उदास का नाम काहे को लेना, पंकज कपूर का लो ना। और एक और खुशी का बात है, वहां पे कभी रुपया गिरता ही नहीं। अभी रुपया जेब से निकलेगा निर्देश पहले ऊपर उड़ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत झाड़ू बात है। बस अरे लेकिन एक बात बोलो, क्या पूरा चांद में जाके दुनिया का आदमी लोग बस रहा है तो चांद में रहने वाला आदमी लोग को कौन सा देश से आया बोलेंगे? रुस्तम जी, अरे देश और सरहदें तो इंसान ने बनाई है। भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाया था और जमीन बनाई थी, और हम लोगों ने सरहदें खींच के उसको सरहदें बना दिया। अरे जब ऊपर वाले ने बनाने में कोई फर्क नहीं किया, तू को लगता सारे तेरी मुंह छुका के तेरी जेब में डाल दूंगा मैं। इसको क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं, आजकल फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं ना इसे, इसलिए कभी कभी इसके अंदर का हीरो जाग जाता है। ओ खुदाई जी। अरे दिकड़ी, तुम मेरे को अच्छा से भाव लगा के बोलो, जमीन का पैसा कितना देना होगा? देखिए भाई साहब, जमीन का हमारे पास चांद पे एक ही प्लॉट बचा है, वो 10 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट। शाहरुख खान का नेबर होने के लिए 10 लाख देने को मंजूर है मैं। वेरी गुड वेरी गुड, लाइए 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 लाइए, फॉर्म भरते हैं आपका, फटाफट लाइए। रुकिए, मैं 12 लाख देने के लिए तैयार हूँ। अबे डील हो रही है ऑलरेडी। रुस्तम जी, शायद आपका बेटा आया उधर। किधर? 10 लाख में डील हो रही, 12 लाख कहाँ से देगा तू? जी बेटा नहीं है मेरे, उधर बच्चा भागा होगा। लाइए आप 10 लाख दीजिए, आप लाइए लाइए लाइए। कौन बोल रहा है? उस जमीन के लिए मैं 13 लाख रुपए दूंगी। ओ रुस्तम जी, आपका बेटा लगता है इधर आया है, इधर बाकी देखिए जरा। कभी मूंगफली खरीद के खाई तूने? उस दिन मेरे को कहती मैं मूंगफली खाने जा रही हूँ, मैं कहा मंगवा के रख ले यहाँ पे साथ में खाएंगे, कहते पर नहीं, वो कहते हम लोग सड़ी सड़ी फेंकते, तू खड़ी खड़ी खा। तेरा मैं 13 लाख दूंगी, 13 लाख कहाँ से देगी तू? अरे लेकिन मेरा बेटा तो उधर नहीं है। आपका बेटा घूम घूम के पता नहीं किधर चला जाता है। आप लाइए पैसे, आपका फॉर्म भरते हैं। अरे एक मिनट रुको, मैंने सुना ये बोला 13 लाख देगी तो मैं 14 लाख देगा। 14 लाख? 14 लाख? 14 लाख? 15 लाख? 15 लाख? तो मैं 16 लाख देगा? 16 लाख? 18 लाख? 18 लाख? 19 लाख? 19 लाख? तो ठीक है, मैं 20 लाख देगा? 20 लाख? 21 लाख? 21 लाख? इसको दे दो। ले 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 ले। 20 लाख इधर। नहीं नहीं नहीं, जमीन नाम की भी कोई चीज है, हमारे पास पहले कस्टमर आए, आपका 16 लाख में जमीन आपका। रुको! अरे जमीन जिसकी उससे तो पूछो, मेरे लिए 10 लाख रुपए भी ठीक है। लाओ दे दो, लाओ लो 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 लो, 10 लाख? अरे बिट्टू, ये नोट तो नकली है। अरे नकली है तो क्या है, गिन के देखो पूरा 10 लाख है। दिमाग तो नहीं खराब, तू पागल तो नहीं है? हाँ ठीक कहा, ये पागल है, मेरे पागल खाने से भाग कर आया है। ए, क्या बात कर रहे, मैं तो रुस्तम जी है। तो आज तू रुस्तम जी बना है, बाकी लाल चोरसिया। सो बात करे छे तुम, इधर देखो कौन कौन आके खड़ा है। देखो एंजेलिना जोली इधर है, ये चांद का मालकिन इधर खड़ा है, ये टाटा वाला इधर आया हुआ, और उधर देखो डलेर मेंटी भी बैठा हुआ है। डलेर मेंटी और ये राजू टाटा, टाटा ये एंजेलिना जोली, बहुत कच्चे में तोड़ ली भाई। और तुम कौन हो? मैं चांद की मालकिन हूँ। मिसेस चांद। मिसेस चांद।
एक मिनट। हेलो, गाड़ी 6 सीटर भेजना, एक नहीं 6 पागल पाए गए हैं। इधर से भागो नहीं, ये काटता भी है। वो तो कह रहा मैं डॉक्टर हूँ। अरे डॉक्टर बोलता है लेकिन है तो पागल ना। पर वो तो कह रहा तुम पागल हो। अरे उसके काटने से तो मैं पागल हुआ, तुमको काटेगा तुम भी पागल हो जाएगा। पागल इधर से।